Hello students, my name is Nimisha Bansal and in this video I'll be telling you the importance of mock test. जब भी हम किसी examination की तैयारी करते हैं, चाहे वो SBI PO हो, चाहे वो SBI clerk हो, बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी performance को judge करें. हम analyze करें कि हमें कितना आता है और हमें क्या क्या चीज़ें improve करने की ज़रूरत है. तो यहाँ पर mock test एक बहुत important role play करता है. तो इसीलिए हमें अपनी प्रिपरेशन के दौरान मॉक टेस्ट डेफिनेटली देने चाहिए. अब एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में है, जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि पहले मैं अपनी पूरी तैयारी कर लूँ और फिर मैं लास्ट में मॉक टेस्ट दूंगा. इससे प्रॉब्लम क्या होती है, आप जब अपनी पूरी तैयारी करते हो और आप लास्ट में मॉक टेस्ट देते हो तो आपके पास टाइम नहीं बचता है कि आप अपनी गलतियों को ठीक कर सको. दूसरी बात, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं बिना मॉक टेस्ट दिए, हमें नहीं पता होता है कि हमारी तैयारी सही हो रही है या नहीं हो रही है. इसीलिए हमें हर वीक कम से कम एक या दो मॉक टेस्ट डेफिनेटली देने ही देने चाहिए. उन मॉक टेस्ट को देने के अलावा हमें उस मॉक टेस्ट का पूरा एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं और हमें किस किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. एनालिसिस आपको बिल्कुल ऐसे करना है कि इसका सही मेथड क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने का. मुझे केवल यही चीज़ नहीं देखने की आंसर मेरा सही हुआ है या गलत हुआ है, एनालिसिस के टाइम पे मुझे टाइमिंग देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर टाइम कितना होना चाहिए. अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको पूरा का पूरा 6 से 7 मिनट में सॉल्व करना है. अगर मॉक टेस्ट देते समय आप उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में 10 से 12 मिनट लगा रहे हैं, तो मतलब है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और आपको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो स्टूडेंट्स, गिव मॉक टेस्ट वेरी फ्रिक्वेंटली एंड आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों को पता है SBI PO एक चैम्पियनशिप लेके आ रहा है. एंड आई होप आप सभी को पता है कि अन अकेडमी एक चैम्पियनशिप लेके आ रहा है, SBI PO चैम्पियनशिप. ऑल इंडिया टेस्ट होंगे, एनालिसिस होगा बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू. आपको हम बताएंगे कि अगर हम स्टूडेंट होते, हम उस आंसर को कैसे देते, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते. तो सॉल्व द क्वेश्चंस, गिव टेस्ट. हर वीक एक टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट का आपको एनालिसिस मिलने वाला है, ऑल इंडिया रैंक मिलने वाली है. ऑल द बेस्ट एवरीवन. और